कोरोना वायरस में लॉकडाउन के चलते शहर में गरीब और जरूरतमंद की सहायता के लिए सोलन जिला प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सोलन शहर की सामाजिक संस्थाएं भी खुले दिल से लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रही हैं। इस मौके पर संत निरंकारी चैरिटेबल संस्था ने सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए सोलन शहर में जरूरतमंद और गरीब लोगों को इस संकट की घड़ी में राशन पहुंचाने का काम किया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि वे संकट की घड़ी में सबके साथ हैं और शहर के आसपास के क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी से भूखा ना रह जाए, इसके लिए निरंकारी संस्था ने जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए राशन का इंतजाम किया है। वे जिला प्रशासन के सहयोग से उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिन्हें राशन की जरूरत है और भविष्य में भी इसी तरह से शहरवासियों की सहायता के लिए वे हमेशा खड़े रहेंगे। आज जैसे कि कोरोना वायरस से संक्रमित सारा हमारा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व इससे संक्रमित हो चुका है, जिससे कि सरकार के आदेश हैं कि लोग अपने घरों में रहें, तो कुछ एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपने घरों में रह रहे हैं लेकिन उन तक राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हमारी संस्था की तरफ से, संतनकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से, उन सभी लोगों तक ये राशन की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें सभी जो परिवार हैं, संबंधित परिवार जो किसी वजह से जहाँ उन पर पैसे की कमी है या मालियत हालत उनकी ठीक नहीं है, उन तक ये हम राशन किट पहुँचा रहे हैं, जिसमें हमारे 10 किलो आटा, चावल और इससे जुड़ी जो वस्तुएं हैं एक किट में बना के उन परिवारों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस समय जहाँ सारी मानवता इस समय संक्रमित दुख में वातावरण में जी रही है, तो एटलीस्ट उनके लिए ये जो साधन है खाने का, इससे कोई महरूम भूखमरी से वो ना किसी प्रकार से अपने जीवन का नुकसान पहुँचाएँ। इस संदर्भ में इस संस्था द्वारा ये उन गरीब लोगों की, जो लोग स्वयं समय अपने आप राशन लेने के लिए समर्थ नहीं है, उन तक ये राशन की किटें पहुंचा जा रही है, जो एक मानवतीय के तरफ को कदम है, मानवीय गुणों से संपन्न होकर उन सभी तक ये जो हम राशन का व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि सभी लोग जो है इस मुश्किल दौर में अपना जीवन यापन कर पाएँ। धन्यवाद। हमारे इनसे जो माइनिंग ऑफिसर है उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें कंडा घाट में एक बस्ती बताई है जहां पर उन लोगों तक सामान नहीं पहुंचा है, तो हम उन्हीं लोगों तक ये सामान पहुंचाने जा रहे हैं, ताकि उन लोगों तक जो जरूरतमंद है उन तक ये सामान पहुंचे।